हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिली 2.0। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं सुरिंदर कटनावर चैनल से अरे कोई रोको इन बच्चों को, फनी किड्स डूइंग फनी थिंग्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, ये चिड़िया शोर मचा रही हैं मेरे बरामदे में, उन्होंने घोंसला बनाया पूरा। इग्नोर दैट, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डू चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, बच्चे तो सबके तोते उड़ा देते हैं भाई, इनकी बातें सच में हंसा हंसा के पागल कर देती हैं। सब्सक्राइब बटन को उखाड़ फेंको और बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, इनके घर पर रिश्तेदार आते हैं और सबसे छोटे बच्चे को पैसे देकर चले जाते हैं। तभी बड़े वाले बच्चे को गुस्सा आ जाता है, इसने तो अपनी माँ से ही पैसों का हिसाब ले लिया। भाई आप भी देखिए पूरा मामला क्या हुआ। यहाँ झूले ले रही हैं बेटा, मेहमान आके जाते हैं तो थोड़ा सा माँ के साथ काम करा लिया करो। मामा जी, मैंने नहीं करना है मेहमानों का काम, आपके आपके बेटे को पैसे दे के गए हैं तो इसी से काम करा। क्या हो गया फातिमा, वो छोटा है उसे पैसे दे गए, मतलब खुदा का मम्मा क्या जमाना आ गया, दो बच्चे हैं तो दोनों को पैसे दे, एक को पैसे दे के फारिक हो गए। फातिमा जो छोटा होता है उसे पैसे देते, पहले आप छोटी थी तो लोग आपको पैसे दे के जाते थे, तो फिर वो मेरे पैसे कहाँ गए। फातिमा, वो आपके पैसे इस्तेमाल कर लिए मैंने। मामा जी, आप मुझे नवाज शरीफ लग रही है, शहबाज शरीफ लग रही है, मरियम नवाज लग रही है, जिसने उन्होंने कौम का पैसा लूटा, आपने मेरा पैसा लूट लिया। लूटती तुम्हारा पैसा, कैसी बातें करती है। मामा तो कौन ना हेल करे, मामा कौन ना हेल करे, मामा तोबा तोबा। भाई इस छोटे से बच्चे को देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी, और मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ये कहती है कि अच्छा नहीं लगता। भाई देखिए जरा पूरी स्टोरी क्या हुआ। आई लव यू मायरा। नहीं बोला जाता, बोल रहे नहीं लगता क्यों, हमें क्या बुराई है, हम कितने अच्छे तो हैं। आई लव यू नहीं बोला जाता, क्यों नहीं बोला जाता, अच्छा नहीं लगता। अभी हाल तुमने बोला अपने मुंह से, अच्छा नहीं लगता। हाँ अभी नहीं बोला तरिया क्यों, लेकिन आप दोस्तों ये बच्चा कमाल की एक्टिंग करता है। शुक्र है कि टीचर लोगों को इसका टैलेंट पहचान में आ गया। ये छोटा सा बच्चा एक नंबर एक्टिंग करता है, लेकिन बेचारे के बाल पता नहीं किसने उड़ा दिए। लगता है इसने शैम्पू वाली आंटी को नहीं देखा। इस तरह आना है गुस्से में, जैसे किसी बच्चे से लड़ाई हो गई है, उसकी शिकायत आके सर के बताओ, गुस्से में आओगे ठीक है, और उस बच्चे ने तुमको खूब मारा भी है। चलो स्टार्ट। तालियां सर्वेश के लिए। अब सर्वेश वहां फिर से आओ। अब सर्वेश की शादी तय हो गई है, अब दिखाओ खुशी। जब शादी तय हो गई तो कैसे खुश होगे, खुश होके दिखाओ। शादी तय हो गई खुद गोरी लड़की से। ये नहीं कर पाओगे, गुड बॉय। चलो दूसरी एक्टिंग और क्या कर सकते हो। चलो ये हाँ टीचर बनके पढ़ा के दिखाओ। चलो चलो आओ, हाँ डांट भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, कब करोगे, ताकि शाम 4 बजे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। एंड मुझे सबसे पहले वाली बच्ची यार वो कितनी क्यूट थी। मैं अम्मी अल्लाह का खौफ करो। आप तो मुझे मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज, पता नहीं किस किस का, जितने भी प्रधानमंत्री थे सबका नाम ले लिया। आप वो लग रहे हो जैसे उन लोग ने कौम का पैसा लूटा है, आपने मेरा पैसा लूट लिया।
और यार ये आदत तो होती है पेरेंट्स में, है ना, रिश्तेदार एक तरफ से पैसे दे के जाएंगे, दूसरी तरफ से वो ऐसा खींच लेते हैं, बेटा लाओ तुम छोटे हो ना हमें दे दो, हम संभाल के रख देंगे, उसके बाद वो कभी ज़िंदगी में मिलते नहीं हैं। हद हो गई यार, मतलब। और हाँ, रिश्तेदार भी बड़े मतलब हद हो गई भाई, जब एक को पैसा देकर जा रहे हो तो दूसरे को भी दो, या तो मत ही दो, क्यों देना है। एक तो पहली बात तो ये पैसे देने वाला रिवाज ही नहीं अच्छा लगता, और दूसरी भाई अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा लगता, नहीं अच्छा लगता। भाई ये किसने सिखाया इसे बच्चे को कि आई लव यू बोलने पर अल्लाह पाक आंखें फोड़ देते हैं। ऐसा मतलब फालतू के ये जो रूमर्स हैं ये दिमाग में नहीं भरने चाहिए, ठीक है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि हाँ सबसे प्यार करो, और आई लव यू सिर्फ एक लड़का एक लड़की को या एक लड़की एक लड़का को नहीं बोल सकता है, आई लव यू आप अपने मम्मी पापा को भी बोल सकते हैं, आप अपने भाई बहनों को बोल सकते हैं, आप अपने दादा दादी को बोल सकते हैं, है ना, जिनसे भी आप लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, सबको आप आई लव यू बोल सकते हैं। तो ये जो फालतू का दिमाग में भर दिया जाता है शुरुआत से ही, इतनी छोटी सी बच्ची है उसको क्या पता है आई लव यू क्यों बोला जाता है क्यों नहीं बोला जाता है ना, बस उसने कहीं सुन लिया होगा। तो इस टाइप से चीज़ें जो होती हैं छोटी छोटी बातें ना बच्चों के दिमाग में बैठ जाती हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक रहती हैं। तो सही तालीम दें उन्हें, सही एजुकेशन दें और सही शिक्षा दें बच्चों को, है ना। जैसे कि ये सबसे लास्ट वाला जो क्यूट सा गोलू मोलू बच्चा था, उसने कितनी अच्छी अच्छी एक्टिंग की है ना, शादी की एक्टिंग नहीं करनी बस। सो टीचर बन के दिखाया, और जो लड़ाई विड़ाई हो जाती है तो उसमें शिकायत करने वाला बच्चा वो बनकर दिखाया, काफ़ी क्यूट बच्चा था। सो ओवरऑल यार बहुत ही प्यारी वीडियो थी, आई होप आप लोग को भी ये बच्चे पसंद आए होंगे, और अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।